एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत का बड़े एक्शन का फैसला, इंडस्ट्रियल एरियाज, मार्केट और ट्रांसपोर्ट को SOPs का पाबंद किया जाएगा। खिलाफवर्जी करने पर दुकानें और मार्केट सील करके जुर्माने किए जाएंगे। पब्लिक मकाम पर मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल लाजमी होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद में 12 दुकानें सील। मास्क ना पहनने पर शहरियों को 15,000 रुपए जुर्माना। मट्टा में भी 3 दुकानों को ताले लगवा दिए गए। मौबने खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, SOPs हर सूरत अमल करना होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकान नहीं पूरा बाजार बंद होगा, पंजाब हुकूमत का ऐलान। वजीर सनअत और तिजारत मियां समी इकबाल कहते हैं, कल से बाजारों और मार्केट्स में SOPs पर सख्ती से अमल कराएंगे। दुकानों के आगे पसारे लगाने की इजाजत नहीं होगी। बच्चों बूढ़ों को मार्केट्स में आने से रोका जाएगा। आवाम को घरों से निकलना है तो सामाजिक फासला रखें, मास्क पहनें। ताजरों की मार्केटें और बाजार दोबारा बंद करने के फैसले की मुखालफत। ताजर रहमान मीर का कहना था कि मुल्क भर में मार्केट और बाजार बंद करने का फैसला अकल, दलील और मंतक के बरक्स होगा। माली तौर पर कमजोर रियासत ताजरों की कफालत करने की ताकत नहीं रखती। जहां SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, वहां मनसूबाबंदी करने की जरूरत है। कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 85,000 से तजावुज कर गई। 1700 से ज्यादा मरीज जान से हाथ धो बैठे। ये न्यूज के प्रोग्राम खबरियार के मारूफ एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल और डायरेक्टर जनरल PDMA बलोचिस्तान इमरान खान जरखून का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी में 16 केस की तस्दीक। दफ्तर सील, वायरस का शिकार फैसलाबाद के मारूफ सनअतकार नदीम दाऊद जान की बासी खा गए। कोरोना ने FBR में भी पंजे काट लिए। डिप्टी कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू कोयटा सलाहुद्दीन खान कोरोना से जंग लड़ते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। नायब कासिद आरिफ भी कोरोना से जान हार गए। इससे कबल दफातर खाली कर लिए गए। कराची की बाजारों में रश रोजाना बढ़ने लगा। सुबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ओवैस कादिर शाह का शहर में चलने वाले मुसाफिर बसों में SOPs की खिलाफवर्जी का नोटिस। डॉक्टर अजरा पेचू कहती हैं, क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, वक्त हाथ से निकल चुका है। सईद गनी कहते हैं, 15 जून को स्कूल खोलने वालों के खिलाफ ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। वजीर मनसूबा बंदी असद उमर की सराहनीय बजट 2020-21 सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म बलोचिस्तान का वफाक से इज़ाफ़ी फंड मुख्तस करने का मुतालबा। फंड जारी करने में सोच रवि पर जाम कमाल का इजलास से वॉकआउट। ज़राए के मुताबिक मुराद अली शाह भी इजलास से उठकर चले गए। पाकिस्तान स्टील में सफेद हाथी बन चुका। हुकूमत बंद इदारे की तनख्वाहों और सूद की सूरत में बहाना 70 करोड़ रुपए अदा कर रही है। वफाकी वजीर हमाद अजहर की प्रेस मीटिंग के लिए निजी शराकत दारी जरूरी है। 9,000 मुलाजमीन को औसतन 23 लाख रुपए दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने DCL के 2 डायरेक्टर्स की मंजूरी दे दी। मुशीर इत्तला अजमल वजीर कहते हैं, जखीरा दोजों के खिलाफ ऑर्डिनेंस पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। जखीरा शुदा माल की इतला देने वालों को 10% हिस्सा दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत का शुबा खोलने के लिए SOPs की मंजूरी। पिशावर से बेहद खैबर पख्तूनख्वा में आटा बोरान सन खाने लगा। फ्लाद मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक सूबे में 180 फ्लाद मिल्स बंद हो चुकी। अब 820 रुपए का थैला खैबर पख्तूनख्वा में डीलर्स को 1100 रुपए में फराहम किया जा रहा है। पिशावर हाईकोर्ट का आटा बोरान का नोटिस, DC पिशावर को अदालत तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल नया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मामले खसूसी नदीम बाबर की मुलाकात। पेट्रोलियम सेक्टर में जारी इस्लाहात के अमल में पेशरफ्त और ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में पेट्रोल के मसनूई बहरान पर हाई कोर्ट का नोटिस।
तैयारा हादसे की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जून को पब्लिक कर दी जाएगी। कोशिश है शफाफ इंक्वायरी जल्द मुकम्मल हो। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तैयारे के बाइस वॉक और डेटा मिल चुके हैं, हादसे की किसी पर भी जिम्मेदारी नहीं डाली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलज़ार की रहीमयार खान आमद, आला फतह के इजलास में कोरोना सूरत हाल और टिड्डी दल के हमलों से मुतालिक सूरत हाल पर गौर, आवाम को कोरोना से बचाने के लिए हर मुमकिन इंतजामी इकदाम उठाने की हिदायत, एस ओ पीज पर अमल न करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उस्मान गुलज़ार रुझान और घोटकी भी गए, साबिक एम पी आतिफ खान मजारी के अहले खाना से ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध की नैब रावलपिंडी ऑफिस पेशी, मुराद अली शाह का तमाम इल्जाम से लातालुकी का इजहार, नैब हुकाम का वज़ीर आला सिंध को सवालनामा भेजने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि आईन और कानून के मुताबिक सोलर स्कीम की मंजूरी दी, नैब के सवाल के जवाब दिए, कोशिश की कि आइंदा आईनी हकीकत से आगाह किया जाए। सिंध गंदम चोरी स्कैंडल में अहम पेशरफ, नैब का सखर में छापा, गंदम तरसील के ठेकेदार हरीश मल गिरफ्तार। ऐप के मुताबिक घोटकी से कराची भेजी जाने वाली 11,000 टन गंदम गायब हो गई थी, 39 करोड़ रुपए मूल्य की गंदम घोटकी से रवाना हुई, कराची न पहुंच सकी। तहरीक इंसाफ वाले 6 साल से इलेक्शन कमीशन से मफरूर है, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर लफ्जी बमबारी, कैफी खान साहब को अदालत ने बुलाया, जवाब जमा ना कराया तो झूठे साबित होंगे, जज साहब ने लिख दिया कि जवाब जमा ना कराया तो अगली पेशी पर फैसला होगा। चोर और नालायक हुकूमत को सिर्फ दूसरों की तजलील करनी आती है। शहबाज शरीफ अपनी हरकतों से सियासी कारकुनान की नहायत गैर सियासी मिसालें कायम कर रहे हैं, वज़ीर इत्तला पंजाब फैज़ुल हसन चौहान का घर है, बतौर सियासी रहनुमा एहतसाब से बचने के लिए घर में छुप जाना एक बुज़दिलाना फेल है, नैब पेशी से फरार, हाईकोर्ट में रिलीफ के लिए पेशी के पीछे मुनाफ़िकत छुपी है। सदाफी रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज और दीगर की दरख्वास्तों पर समा, जब बैरून मुल्क जायदादें बनाई तब मनी लॉन्ड्री का मसूरा कानून नहीं था, केस रोशन दमाग ने बचवा दिया कि मामला टैक्स नहीं मनी लॉन्ड्री का है। अदालत के रिमार्क्स, पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में मामला अदालत कत्ल पर तश्वीश का इजहार, तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं कश्मीरी मुसलसल 9 माह से फौजी लॉकडाउन और पाबंदियों का सामना कर रहे हैं, आदमी बरादरी को भारतीय जारियत का नोटिस लेना चाहिए। कोरोना वायरस से दुनिया पर मौत द्वार अब तक 3,88,252 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके, मैक्सिको 1,092 अफराद कोरोना के बायस हलाक, अमरीका में हलाकों की तादाद 1,09,146 हो गई, एशिया में 2,17,000 से ज्यादा केसेस के साथ भारत सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क बन गया। G20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में कराया जाए, साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेन जोन्स की तजवीज, कहते हैं न्यूजीलैंड हुकूमत ने कोरोना वायरस पर काफी हद तक काबू पा लिया, कोरोना वबा की सूरत हाल में सिर्फ न्यूजीलैंड की एक मुल्क है जहां वर्ल्ड कप का इनका मुमकिन हो सकता है। और 5 और 6 जून की दरमियानी शब चांद ग्रहण होगा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:46 पर चांद को ग्रहण लगेगा जो 2:04 पर खत्म होगा, पाकिस्तान समेत यूरोप एशिया के ममालिक में देखा जा सकेगा।